Hey guys, कैसे हैं आप सब? होप आप सारे सेफ होंगे इस कोविड के सिचुएशन में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेस्ट लैपटॉप की सीरीज जो कि आप बाय कर सकते हो अंडर 35,000 रुपीज। तो अगर आपका भी बजट 30,000 से 35,000 रुपए और इस बजट में रहते हुए अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे थे तो आप बहुत ही सही जगह पे पहुंचे। मैं जो भी लैपटॉप्स आपको बताऊंगा इन सबके प्रोज और कॉन्स दोनों आपको बताऊंगा ताकि जब आप उस लैपटॉप को लेने जाते हैं तब आपको ये मालूम रहे कि आपको उस लैपटॉप में क्या क्या अच्छी चीज़ें मिली है, कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ी है और फ्यूचर में आप उसको किस तरीके से अपग्रेड करके उसकी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी बजाना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाएं जैसे ही हम एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के सबसे पहले लैपटॉप से जो कि आता है अवीटा की तरफ से आने वाला अवीटा प्यूरा 14। इसका जो प्राइस है आपको 31,700 रुपये का पड़ेगा। आप इस पर बैंक के कार्ड और ऑफर लगाने के बाद आप इसको और चीप में बाई कर सकते हैं। इसका जो टोटल स्क्रीन साइज है ये आपको 14 इंच का पड़ेगा जो कि एक फुल एचडी पैनल के साथ आता है। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया वो राइजन का 3 3200 प्रोसेसर है जो कि काफ़ी डिसेंट परफॉर्मर है और इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस दे देगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में और डिटेल में बात करें तो आपको 4GB का रैम और 256GB का एक सुपर फास्ट SSD मिल जाता है। इसमें आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। अगर इसके टोटल वेट के बारे में बात करें तो इसका जो टोटल वेट है आपको 1.34 kgs का पड़ेगा और ये अपने कंपेटिटर्स के कमरे में थोड़ा सा हल्का है। तो अगर आप एक लाइट वेट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसका एक कॉन मुझे ये लगा कि जो इसमें रैम यूज़ किया गया है वो 4GB रैम है और वो शोल्डर किया हुआ है। आप इसको फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते 8GB रैम के साथ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में तो इसमें जो बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है वो आपको 6 घंटे का, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में 3.5 से 4 घंटे तक का ही बैकअप मिलेगा। बढ़ते हमारे लिस्ट के 5वें नंबर के लैपटॉप की तरफ जो कि आता है एसर के तरफ से आने वाला एसर एस्पायर 3। इसका जो प्राइस है आपको 33,000 रुपीज़ का पड़ेगा। इसमें जो डिस्प्ले यूज़ की गई है वो एक फुल HD प्लस पैनल वाला डिस्प्ले है जो कि 15.6 इंच के साइज़ के साथ आता है। इसमें आपको 4GB रैम और 1TB का HDD मिल जाएगा। तो अगर आपके लिए स्टोरेज ज़्यादा मैटर करता है, स्टोरेज का स्पीड नहीं, उस केस में आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। इसमें आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। अगर इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताऊं तो इसका जो टोटल वेट है आपको 1.9 kgs है। तो इसका जो ओवरऑल वेट है ये एक स्टर्डी बिल्ड के साथ आता है। अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इसका जो टोटल बैटरी लाइफ है वो कंपनी क्लेम करती है 5.5 घंटे का, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में 3.5 से 4 घंटे का बैकअप मिलेगा। बात करें अगर इस लैपटॉप के रैम अपग्रेडेबिलिटी के बारे में तो इसमें आप 12GB का रैम अपग्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो 4GB रैम आपके लैपटॉप में दिया हुआ है वो तो फिक्स्ड रहेगा, साथ में आपको एक स्लॉट एक्स्ट्रा मिल जाता है, वहाँ पे आप 8GB रैम ऐड करके अपने लैपटॉप को और अपग्रेड कर सकते हैं फ्यूचर प्रूफ करने के लिए। बढ़ते हमारे लिस्ट के 4वें नंबर के लैपटॉप की तरफ जो कि आता है एसस के तरफ से आने वाला वीवो बुक 14। इसका जो प्राइस है आपको 34,700 रुपये का पड़ेगा। इसमें आपको 4GB रैम और 1TB का HDD वाला वेरियंट मिल जाता है। इसमें आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। अगर डिस्प्ले साइज़ के बारे में बात करें तो इसका जो डिस्प्ले वो आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आता है। अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इसमें जो आपको एवरेज बैकअप मिल जाएगा वो 4 से 4.5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इसका जो टोटल वेट है आपको 1.6 kgs का पड़ेगा। अगर रैम अपग्रेडेबिलिटी के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपको मैक्सिमम 12GB का रैम आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाएगा जो कि आप उसमें आप 8GB का रैम लगा पाओगे। बढ़ते हमारे लिस्ट के 3रे नंबर के बेस्ट लैपटॉप की तरफ जो कि आता है डेल के तरफ से आने वाला डेल वॉस्ट्रो। इसका जो प्राइस है आपको 35,000 रुपीज़ का पड़ेगा। इसमें आपको 4GB रैम और 1TB का HDD वाला वेरिएंट मिल जाता है और इसमें आपको विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। अगर डिस्प्ले साइज़ के बारे में बात करें तो इसमें जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो एक 14 इंच का फुल HD प्लस वाला पैनल यूज़ किया गया है। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको इंटेल का i3 का प्रोसेसर यूज़ किया गया जो कि एक 10th generation का प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस प्राइस रेंज में देता है। अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में तो इसमें आपको 4 से 5 घंटे तक आपको एवरेज बैकअप मिल जाएगा इस लैपटॉप के साथ। और इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इसका जो टोटल वेट है आपको 1.65 kgs का है। रैम अपग्रेडेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें आप फ्यूचर में इसका 16GB के रैम के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसका जो 4GB का रैम है आप उसको निकाल के आप 2 8GB के रैम इस लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। बढ़ते हमारे लिस्ट के 2रे नंबर के बेस्ट लैपटॉप की तरफ जो कि आता है लेनोवो की तरफ से आने वाला लेनोवो का आइडियापैड S145। ये जो लैपटॉप है आपको 35,000 रुपये का पड़ेगा। इसमें जो पैनल की क्वालिटी यूज़ की गई है, इस पूरे लिस्ट का सबसे बेस्ट क्वालिटी का पैनल इसमें यूज़ किया है। जो रिजोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। जो पैनल का साइज़ है आपको 15.6 इंच का पैनल यूज़ किया गया है। अगर रैम के बारे में बात करें तो इसमें आपको 8GB का रैम मिलता है और 256GB का एक SSD मिल जाता है जो कि काफ़ी फास्ट है। अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 घंटे तक का बैकअप मिल जाएगा। प्रोसेसर इसमें इंटेल का 10th generation प्रोसेसर यूज़ किया गया जो कि i3 का प्रोसेसर है। अगर टोटल वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इसमें जो वेट है इस लैपटॉप का वो आपको 1.8 kgs का है
और इसमें रैम अपग्रेडेबिलिटी के बारे में कंपनी ने कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया है कि क्या आप इसमें 16GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस लिस्ट के पहले नंबर के बेस्ट लैपटॉप के बारे में, जो कि आता है HP की तरफ से आने वाला HP अल्ट्रा 14। ये जो लैपटॉप है ये आपको 36,000 रुपये का पड़ेगा। आप इसमें बैंक के कार्ड और ऑफर लगाने के बाद आप इसको 35,000 से कम में भी बाई कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसका जो डिस्प्ले है वो एक 14 इंच का फुल HD प्लस पैनल वाला डिस्प्ले है। इसमें आपको 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज मिल जाता है। विंडोज 10 इसमें आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 घंटे तक का एवरेज बैकअप मिल जाता है। अगर टोटल वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इसका जो टोटल वेट है आपको 1.47 kg का है। और रैम अपग्रेडेबिलिटी के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आप 16GB तक मैक्सिमम पोस्ट कर सकते हैं। तो 8GB आपको ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आपके लैपटॉप में है और 8GB का एक रैम आपको स्लॉट खाली मिल जाएगा। तो फ्यूचर में आपको जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी लैपटॉप में रैम कम पड़ेगा, तब आप 4 से 4,500 रुपये इन्वेस्ट करके एक अच्छा सा रैम बाई करके इसके रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। और अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए थे तो थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड पीस।